Hello, hello, welcome to my YouTube channel. This is Vivan, you're watching Vivan Live, and in today's video, I'm gonna talk about how to research crypto gems. हम सबको 100x चाहिए, 200x चाहिए, 1000x चाहिए, लेकिन किसी को भी मेहनत नहीं करनी है. So in this video, I'm gonna teach you how can you research cryptos and 14 tools, 14 crypto tools that you must know in order to find that gem. So let's get started. To start off, I'm not your financial advisor. This video is for educational purposes. यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे वो तरीकों के बारे में जो तरीके मैं यूज करता हूँ क्रिप्टो रिसर्च करने के लिए. So let's see what is covered in this video. We are gonna do fundamental analysis and we gonna talk about tools that you must know. Alright? So let's get started. So fundamental analysis start करने से पहले हमको करना है प्री रिसर्च. ठीक है, अभी आपके दोस्त ने बोला ब्रो एक बहुत ही बढ़िया कॉइन है उसमें इन्वेस्ट कर. सो आप पहले क्या करोगे, आप प्री रिसर्च करोगे. प्री रिसर्च का मतलब क्या है कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, वॉल्यूम चेक करोगे. पहले वॉल्यूम क्या होता है, जब भी कोई भी बायर एंड सेलर एक ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, तो वॉल्यूम जनरेट होता है. राइट, सो फर्स्ट वी नीड टू चेक कि कॉइन की वॉल्यूम डेड तो नहीं है. अगर हमने खरीद लिया कल को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि कोई बायर ही नहीं है. सो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए. राइट, सो फाइंड दिस आउट ऑन कॉइन मार्केट कैप. सेकेंड इज वी चेक द प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो जब वो चार्ट पे आप प्लॉट करते हो तो प्राइस एक्शन बनता है. सो प्राइस एक्शन आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा. जैसे अगर आप बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे तो एक स्टेडिली अप जा रहा है, पिछले 10 साल में स्टेडिली अप जा रहा है. ऐसे नहीं है कि तुरंत एक 90 डिग्री एंगल नहीं बना दिया, ना ही 90 डिग्री नीचे बना दिया. यू कुड सी द चार्ट ऑफ स्क्विड गेम्स जो कि तुरंत ही गिर गया. एंड यहाँ पे आपको पता चलता है कि बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन हुई है, रग पुल हुआ है. रग पुल मतलब जो आप चद्दर डालते हो सोने वक्त तो किसी ने पुल कर दिया है. रग पुल मतलब आपका स्कैम हो गया है. राइट, सो यू नीड टू चेक कि प्राइस एक्शन शुड बी जेन्युइन. थर्ड, वॉल्यूम चेक कर लिया हमने, मार्केट कैप चेक करना है. अगर बहुत ही छोटी मार्केट कैप है तो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लेना है. अगर मार्केट कैप अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब टॉप मार्केट कैप के हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा डाला है, दैट मीन्स इट इज मोर ट्रस्टेड और मोर यूज्ड. सो ये चीज आपको जरूर चेक करनी कि मार्केट कैप कितना है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क कितना होने वाला है. अब आपने कॉइन वॉल्यूम चेक कर लिया, प्राइस एक्शन चेक कर लिया, अब आप चेक करेंगे मार्केट कैप. मार्केट कैप क्या होता है ये आप मेरे कॉइन मार्केट कैप वाले वीडियो में जाके चेक कीजिए. ये पूरी चीज, पूरा कॉइन मार्केट कैप का ट्यूटोरियल मैंने उस वीडियो में बताया. मार्केट कैप चेक करने के बाद डाइल्यूटेड मार्केट कैप चेक कीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क कितना होने वाला है. अगर छोटा मार्केट कैप का कोई टोकन है या कॉइन है तो आप शायद कम इन्वेस्ट कर सकते हैं. थर्ड, टोकन यूजर बेस. कितने लोग हैं ये टोकन यूज करने वाले, ये कैसे पता चलेगा. ईथर स्कैन में जाओ या बीएससी स्कैन में जाओ, उनके एक्सप्लोरर में जाओ, जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट चेक करो, देखो कि कितने टोकन के होल्डर्स है, उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं. राइट, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट यूज केस. प्रोजेक्ट किस चीज के लिए आया प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन इज मोर लाइक अ डिजिटल गोल्ड. राइट, इट बीट्स इन्फ्लेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं उसको. शिबा का क्या है, शिबा इज से अ मीम टोकन. राइट, इट्स मेड फॉर फन. कोई भी बहुत ज्यादा लोग उसको सीरियसली नहीं लेते. अभी उसके यूज केसेस आने वाले हैं. अगर कोई रेस्टोरेंट अगर शिबा टोकन एक्सेप्ट करता है, आईएनआर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ शिबा करेगा, तो उसका एक तगड़ा यूज केस बन गया कि भाई अगर डोमिनोज में जाना है तो शिबा ही देना पड़े. सो दैट इज अ यूज केस. सो प्रोजेक्ट का यूज केस समझो. यूज केस अगर अच्छा होगा तो आगे वाले समय में बहुत ऊपर जा सकता है. शुड बी देयर ऑन गुड एक्सचेंज एंड गुड वॉल्यूम एक्शन. अगर आपका क्रिप्टो जो आप रिसर्च कर रहे हैं अगर वो बड़े एक्सचेंज पे नहीं है या बहुत ही छोटे एक्सचेंज पे या सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है तो उतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकता है. बड़े एक्सचेंजेस पे जब भी कोई भी क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो टोकन लॉन्च होता है तो क्या होता है कि वो जो एक्सचेंज है वो काफ़ी रिसर्च करता है. रिसर्च करने के बाद ही वो लोग लॉन्च करते हैं. तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखना कि जो भी क्रिप्टो आप रिसर्च कर रहे हैं एंड इन्वेस्ट करने वाले वो अच्छे से ऐसे एक्सचेंज पे हो और वॉल्यूम भी अच्छी खासी हो ताकि जब आप बाय कर रहे हैं तो सेल भी कर पाए. नेक्स्ट, लेट्स कम टू प्रोजेक्ट रिसर्च. अभी आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, कॉइन मार्केट कैप खोल के आपने ऊपर ऊपर से देख लिया कि बॉस ये कैसे होता है. अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ आते हैं. इन डेप्थ जाने के लिए प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे तो जाना ही पड़ेगा. तो पहले वेबसाइट पे जाइए एंड वाइट पेपर पढ़िए या लाइट पेपर पढ़िए. अब आपको यहाँ पे समझना है कि व्हाट डज अ प्रोजेक्ट डू. आप जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि यूटिलिटी समझो, क्या करती है ये प्रोजेक्ट ये समझो. हाउ डू दे डू इट एंड व्हाई. ये लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम इतना, क्या ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि ये सॉल्व करने से शायद उनकी इकोसिस्टम और उनका जो ऐप है और उनके यूजर्स है वो ग्रो होगा कि नहीं.
So for example, Ethereum. On Ethereum, you can build dApps. That's why it's so widely used. So you need to understand that this project is, ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कैसे कर रही है और क्यों कर रही है. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेरियम भी है, सोलाना भी है. सो अब आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है. जैसे हम स्कूल में डिफरेंस बिटवीन ब्ला एंड ब्ला करते थे, वैसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, फॉर एग्जांपल अगर आप जो टोकन के बारे में पढ़ रहे हैं वो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन है, इट्स से इथेरियम किलर है. सो आप इथेरियम वर्सेस सोलाना वर्सेस दैट एक्सवाईजेड टोकन का एक डिफरेंशिएटर बनाइए कि क्या डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल इथेरियम में गैस फीस ज्यादा है, सोलाना में गैस फीस कम है. इथेरियम का नेटवर्क बहुत कम डाउन होता है लेकिन सोलाना का नेटवर्क हर दो दिन में डाउन होता है. इथेरियम थोड़ा ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, सोलाना बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है. सो ऐसे आप एक अच्छा गूगल शीट बनाइए जहाँ पे जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आप देख सकते हैं कि ये टोकन उससे अच्छा है कि नहीं है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एड्रेसेबल मार्केट. फॉर एग्जांपल इफ दिस टोकन दैट यू आर रिसर्चिंग अबाउट से इट्स एक्सवाईजी, यू आर कंपेयरिंग विद इथेरियम. इथेरियम के सोचो 10 लाख यूजर्स है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो एक्सवाईजी टोकन है ये अगर इथेरियम से बेहतर है और धीरे धीरे अगर ये इथेरियम से अच्छा बनने लग जाए तो इसका एड्रेसेबल मार्केट कितना होगा. सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के यूजर्स को ऐड कीजिए, थोड़ा एम्बिग्यूस आएगा, थोड़ा एवरेज निकाल के बोल सकते हैं कि हाँ भाई 10 लाख का इसका एड्रेसेबल मार्केट है. तो 10 लाख लोग अगर ये टोकन खरीदेंगे तो क्या हो सकता है. मोनेटाइजेशन एफर्ट्स क्या है, कैसे ये टीम जो जिस टीम ने ये एक्सवाईजी टोकन बनाया ये कैसे पैसे कमाने वाली है, क्या ये अपने टोकन आपके ऊपर बेच के पैसे कमाने वाली है या कुछ लॉन्ग टर्म व्यू है, मैकेनिक है, क्या इस टोकन की सर्ची में जरूरत है कि नहीं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लियर गोल ऑफ द टोकन. अगर एक कंपनी एक टोकन लॉन्च करती है, क्या वो सिर्फ जल्द से जल्द पैसा बनाने के लिए लॉन्च कर रही है कि सच्ची में कोई यूटिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल XRP का यूटिलिटी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, डॉज कॉइन का भी नहीं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी यूटिलिटी क्या है. इथेरियम की यूटिलिटी क्या है, गैस फीस पे करने में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, ट्रांजेक्शन में यूज होता है, राइट. सिमिलर फॉर सोलाना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि XYZ टोकन का यूटिलिटी क्या है, कि आगे जाके ये करने क्या वाला है. Now it's time to do in-depth research. I would suggest check out Messari. Messari में आप जाके टोकोनॉमिक्स चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, टोकोनॉमिक्स में कब टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं, कितने पैसे पे कितने इन्वेस्टर्स ने बाय किया है, कितने VCs ने बाय किया है, प्राइवेट सेल का क्या हिसाब रहा है, ये सब जाके आप Messari में चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि वॉल्यूम इंडिकेटर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक है कि नहीं. एंड यू कुड ऑल्सो स्टार्ट watching a lot of interviews and podcast of the people associated with the company. This is really important because देखो जितना भी कुछ भी बोल दे लेकिन जब एक founder camera पे आके कोई बात करता है तो दिख जाता है कि वो passionate है कि नहीं. And that's where you will understand whether the project has long-term use case or not, long-term vision or not. If the team is not public, तो probably आप अपने Discord में जाके जो voice calls, voice sessions करते हैं वहाँ पे आप उनकी बातें सुन सकते हैं या तो उनके podcast देख सकते हैं अगर उनकी team anonymous है. अगर उनकी team public नहीं है, this can also be a red flag. But this is few things that you can consider. Next, you need to check if any explorer is not showing distribution and tokenomics, that is a red flag. Initial supply to the founders should be very less. Non-tradable supply should be less. Check wallets holding a lot of tokens. Insider ownership bhi hota hai. Agar ek hi owner, ek hi address, bahut sare tokens hold kar raha hai, toh lafta hai. Notable projects on the ecosystem. For example, Ethereum ke upar hazaro dApp hai. Waisi agar ye jo apna naya XYZ token hum dekh rahe ho, isko kaun use kar raha hai? इसके यूज केसेस कौन से अलग डी एप्स में, वो आप चेक कर सकते हैं. अगर कुछ नहीं है तो फिर पैसा बैठा लो. यू कुड ऑल्सो गो एड एंड रीड अबाउट इनसाइट्स फ्रॉम द टेक टॉक्स. बेसिकली व्हाइट पेपर पे जाइए, वहाँ पे कंट्रोल एफ दबा के टोकनॉमिक्स चेक कीजिए, इन्फ्लेशन चेक कीजिए. इन्फ्लेशन मतलब कितने टोकन आ रहे हैं इकोसिस्टम में, कितने टोकन इंक्रीज हो रहे हैं. ICO कंसेंसस मैकेनिज्म चेक कीजिए, स्टेकिंग माइनिंग चेक कीजिए. इससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से मैकेनिज्म में ये लोग काम कर रहे हैं, राइट. क्या ये स्टेकिंग में काम कर रहे हैं या POW टोकन है या POS टोकन है, ये सब आप चेक कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द लैंडस्केप. लैंडस्केप का मतलब क्या है, जब भी हम एक ठेला लगाने जाते हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं रोज ठेले लगाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज के बाहर ठेला लगाने जा रहा हूँ, मैं चेक करूँगा कि भाई लैंडस्केप क्या है यहाँ पे और कितने ठेले लगाने वाले हैं, कितना मेरे को कंपटीशन है. सिमिलरली आपको ये चेक करना है इन्वेस्ट करने से पहले. सो कंपटीशन लैंडस्केप एंड देयर वॉल्यूम एंड मार्केट कैप. फॉर एग्जांपल XYZ टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है तो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, पोलकाडॉट होंगे, कार्डानो होगा, इथेरियम होगा, सोलाना होगा, उनके क्या वॉल्यूम है, उनका मार्केट कैप क्या है. चेक पार्टनरशिप्स, मेजर न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स. अगर पार्टनर देखो क्रिप्टो में ना
अगर पार्टनरशिप्स नहीं हो रहे हैं, न्यूज नहीं आ रहा है, तो मार्केट बहुत ही स्टैग्नेंट मूव करेगा. सो देर शुड बी अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स हैपनिंग. न्यूज जितना ज्यादा होगा, अनाउंसमेंट्स कितने ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा वो अपने सोशल मीडिया में एक्टिव है, उतना ज्यादा मूवमेंट होने के चांसेस है. अगर उनका डेड है सोशल मीडिया, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट. सब रेडिट चेक कीजिए फॉर मेंशंस ऑन द रेडिट कम्युनिटी. नंबर ऑफ कमेंट्स इज अ बेटर इंडिकेटर. जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतना ज्यादा अच्छा. चेक फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स ऑन डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स. दिस इज माई टॉप फेवरेट कैटेगरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर वेबसाइट टट्टी है तो प्लीज इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर वेबसाइट पे अगर वो लोग पैसा खर्च नहीं किए तो आपके पैसे का क्या करें. Second, the token should be utility driven. The token's price should be utility driven and not hype driven. अगर hype driven है तो जितना ऊपर जल्दी जा रहा है उतना जल्दी नीचे भी आ जाएगा. Third, if the team is inactive, please do not invest. Because अगर team के पास इतना समय नहीं है कि community को manage कर पाए, तो ऐसे tokens में invest करना बर्बादी के बराबर है. Fourth, token distribution is too centralized. सारा token अपने पास रख लिया, 70-80% 10-15% जनता को दे दिया. सो अगर ये सारे चीजें होंगे तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले करोड़ों बार सोच लेना. यू कुड ऑल्सो परफॉर्म ऑन चेन एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, विच इज नॉट इन द स्कीम ऑफ दिस वीडियो. इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन देम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 14 टूल्स टू डू योर क्रिप्टो रिसर्च. नंबर वन, कॉइन मार्केट कैप. टू चेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो, यू नो वेयर टू गो, दैट इज कॉइन मार्केट कैप. Second, CoinGecko, very similar to CoinMarketCap. Third, Altcoin Season Index. इस वेबसाइट पे पता चलेगा कि भाई Altcoin Season चल रहा है कि Bitcoin Season चल रहा है, right? Altcoin मतलब alternative coin. Anything apart from Bitcoin is called as Altcoin. Fourth, Crypto Panic. इस एक वेबसाइट पे आपको सारे वेबसाइट की न्यूज आ जाएगी, तो आपको हजारों वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं है. Fifth, trading view. You can do technical analysis through this tool. It's the most amazing technical analysis tool out there. Sixth, CryptoQuant. You can perform on-chain analysis through CryptoQuant. Seventh, Glassnode, which is very similar to CryptoQuant. Yahan pe bhi aap on-chain analysis kar sakte hain. Eighth, Sentiment. Sentiment is a tool jahan pe aap सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि भाई सारे सोशल मीडिया में लोग क्या बात कर रहे हैं इस टोकन के बारे में. नाइन्थ, मसारी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, अमेजिंग आर्टिकल्स एंड हेल्प्स यू प्रिपेयर योर ओन क्रिप्टो सीनियर. टेंथ, कॉइनडिक्स, बेस्ट यील्ड फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर दिखेंगी. एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे अच्छे यील्ड फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे. सो इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. 11th, डी ऐप रडार. यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं सारे डी एप्स का परफॉर्मेंस, कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, कितने इंस्टॉल्स हो रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, ये सब आप चेक कर सकते हैं डी ऐप रडार पे. नेक्स्ट, डीफाई लामा. डीफाई लामा इज अ टीवीएल एग्रीगेटर. टीवीएल क्या होता है? टोटल वैल्यू लॉक. सो इस प्लेटफॉर्म में आपको पता चलेगा कि कौन से ब्लॉकचेन में कितना पैसा लॉक्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इथेरियम के डीफाई में कितना लॉक्ड है, सोलाना ब्लॉकचेन पे कितना लॉक्ड है, कार्डानो के ब्लॉकचेन में कितना लॉक्ड है, ये सब आपको पता चलेगा डीफाई लामा के थ्रू. नेक्स्ट, लूनार क्रश. लूनार क्रश इज अ सोशल लिसनिंग टूल फॉर क्रिप्टो. बेसिकली सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स क्या बात कर रहे हैं एंड पूरी जनता इस क्रिप्टो के बारे में क्या बात करे, ये सब आप जान सकते हैं लूनार क्रश में. लास्टली, कॉइन मार्केट कैल. कॉइन मार्केट कैल इज अ कैलेंडर फॉर क्रिप्टो. हजारों क्रिप्टो है, सारे क्रिप्टोज के बारे में याद नहीं रहता. बाय द रूमर सेल द न्यूज कैसे करोगे, कॉइन मार्केट कैल के थ्रू करोगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबाना एंड कमेंट सेक्शन जरूर 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 डालना. इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज लेट मी नो. ट्रेडिंग के ऊपर भी बनाएंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑनचेन एनालिसिस पे भी बनाएंगे. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम. I'll see you in the next video. Bye.